हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे 20x30 का कोलाज किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को समझने के लिए आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपना साइज देख लेते हैं। देखिए, हम इस तरह से क्रिएट करेंगे 20x30 का साइज। एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अपना कोलाज हम रेडी करेंगे। सबसे पहले इस वाली पिक को हम इसमें सेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारी जो भी हमें पिक इसमें लगानी थी, सारी पिक हमने इसमें कॉपी कर ली हैं। अब हम इसको सेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, विंडो में जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर हमने पिछली बार बताया था आपको किस तरह से स्ट्रोक सेट करते हैं। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और ये देखिए इसमें स्ट्रोक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ कि कैसे यहाँ से स्ट्रोक लगाते हैं, सेट करते हैं। F7 ओपन कर लेंगे हम, इस पर से ही हटा देते हैं। इस वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर जाएंगे। ये देखिए रेड कलर का, किसी और कलर का ले लेते हैं हम, यहाँ से ब्लैक कलर का लेते हैं। थोड़ा सा ऑपेसिटी यहाँ से बढ़ा लेंगे। अब देखिए, ये जो न्यू स्टाइल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये वहाँ पर जाकर सेव हो गया है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लेयर स्टाइल पर। ये देखिए फ्रेंड, सेट हो गया यहाँ पर। अब चलिए हम सारी पिक पर ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगाएंगे। सिर्फ हमें इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इस तरह से। ठीक, ओके कर देते हैं। कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा लार्ज करेंगे ना। ये जो एक्स्ट्रा है, इसको हम इरेजर टूल से इरेज कर देते हैं। इसका जो फ्रंट पीछे का बैकग्राउंड कलर है, को हम चाहे तो कलर कर सकते हैं। यहाँ से चलिए हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसमें कलर ऑटोमेटिक फिल हो गया है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा 20x30 का कोलाज बनकर रेडी हो गया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।